अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफगानिस्तान से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ सब सच्चाई सामने आ चुकी है। मुकम्मल अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लो। तो दोस्तों, कप्तान बाबर आजम फिक्र में तो थे ही, और उनके चेहरे से पता भी चल रहा था कि कप्तान बाबर आजम इस वक्त काफी परेशान है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कप्तान बाबर आजम ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में काफी बातें हो चुकी हैं, जिस वजह से अब हमारी टीम एक दफा फिर कम बैक करेगी। तो दोस्तों, बाबर आजम ने अपनी टीम को अच्छी तरह स्पीच दी और तमाम खिलाड़ियों को मोटिवेट किया कि हम अभी भी टूर्नामेंट में मौजूद हैं, लेकिन सब खिलाड़ी सर पकड़ के बैठे हुए थे कि शायद हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी टीम इस वक्त भी टूर्नामेंट में मौजूद है। अगर सारे मैचेस पाकिस्तानी टीम जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान के टॉप फोर में जाने के काफ़ी इम्कान हो सकते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तानी टीम को कमबैक की ज़रूरत है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के मुतालिक ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।